हो चुकी है शाम, मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। मेरे को शार लेना है, बट मैं सोच रही हूँ क्लास करने के बाद ही अब शार लूँगी, बट लाइट चला लेते हैं। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. और हम जा रहे हैं अभी शार लेने इतनी रात को। गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स अमेजिंग टू मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है। और आज सुबह को बहुत सही टाइम पे उठी, लंच पैक करके दे दिया, फिर उसके बाद अपना ग्रीन जूस फ्रेश बनाया, एक ग्लास पिया, उसके बाद थोड़ा सा एग स्क्रैम्बल विद चपाती खा लिया, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा उसको ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं, अलग से क्या बनाने जाए। उसके बाद मैं थोड़ी देर में बैठने आ गई क्योंकि बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, आज रेन्स प्रिडिक्टेड है, तो अगर बारिश होती है ना तो डेफिनेटली पूरा मूड बदल जाएगा, होपफुली आज बारिश हो जाए। और अभी मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ अच्छी सी कॉफ़ी या फिर कुछ अच्छा सा चिकन करी विथ राइस बनाती हूँ, लेकिन उसके पहले जो मेरा वैसे किचन है जो बहुत 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 ही ज़्यादा गंदा है, जिसको क्लीन करने में एटलीस्ट हाफ एन आवर लगेगा, उसके लिए मैं थोड़ा एनर्जी गैदर करी, बट एनी वे कर लूँगी, आई कैन डू इट। तो मैं सोच रही हूँ जाके सबसे पहले अपना किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद एक अच्छी सी प्रॉब्ली कॉफ़ी बनाऊँगी और उसके जस्ट बाद चिकन करी बनाने में लग जाऊँगी। बहुत देर से चिकन नहीं खाया, एक महीने हो गए, ऐसे तो तलब होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश मेरा वर्ड पर बहुत बुरा है इंग्लिश का,
बहुत ज़्यादा एनीवे anyway, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चिकन करी खाने का आज. बहुत 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 टाइम हो गया चिकन करी खाया था. चिकन करी खाएंगे. किचन क्लीन करने के बाद ना थोड़ा सा मैं काम करने लगी थी और अभी जस्ट मेरा सर दर्द होने लगा इतनी देर कंप्यूटर में बैठ के, तो फटाफट से कॉफ़ी बनाऊंगी. नहीं हुई है, होपफुली हो जानी चाहिए. और घर पे ना मैं जो बोल रही थी ना, मेरे फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी अभी भाई गॉड्स ग्रेस बहुत ही अच्छा है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है जाके कि चलो सब कुछ अच्छा है ना. और वहाँ पे भी कुछ करने में मज़ा आता है, मतलब टेंशन नहीं होती कि ये वहाँ पे मतलब चीज़ें ठीक नहीं है समथिंग लाइक दैट. तो बट स्टिल इंडिया में तो केसेस अभी भी काफ़ी है ना, तो मतलब टेंशन तो होती है, बट क्या कर सकते हैं. 2021 तो उससे भी ज़्यादा बुरा है. हर दिन कुछ ना कुछ अजीब अजीब से न्यूज़ मिलते हैं. पर मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं सोचती हूँ टेंशन लेके तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं होगी, आप उल्टा आपके शरीर पे बीमारी आएगी. इसीलिए टेंशन मत लो और चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो. आई थिंक हर इंसान को यही करनी चाहिए, क्योंकि सच में ना टेंशन लेने से चीज़ें सुधरती नहीं है, उल्टा जो और रहता है ना उससे और ज़्यादा निगेटिविटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. तो कभी कभी चीज़ों को ना समय पर छोड़ देना चाहिए. ज़्यादा ही पानी डाल दिया, देखा नहीं दिया से ज़्यादा पानी डाल दिया फिलहाल. तो अभी मैं जस्ट वेट कर रही हूँ ना, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो और मेरे को घर जाने का मौका मिले. मैं तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि अभी घर जाने का देखते हैं. Some
अमेजिंग वाली कॉफी अमेजिंग वाले वेदर में। तो फाइनली हम आ गए इस अच्छे से वेदर में भी अच्छी सी कॉफी लेके आ रहे। बहुत अच्छी कॉफी है और ये ऊपर से जो स्प्रिंकल करते हैं ना इससे और भी ज़्यादा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। आप लोग तो करते ही होंगे यार घर घर में, मेरी मम्मी भी करती थी। अरे मम्मी भी रिलैक्स है, भाई भी रिलैक्स है, डैडी भी रिलैक्स्ड है, सब कोई अच्छे से है ना, तो मैं भी यहाँ खुश रहती हूँ। बस मेरा था ना मेरे फैमिली मेम्बर्स अच्छे रहें, बाकी तो मैं सारी चीज़ें लाइफ में फिगर आउट कर लूँगी। फैमिली होती है ना तो सपोर्ट इंसान की सबसे अमूल्य चीज़ होती है, उसके माँ बाप। अच्छा लगता है आपका सक्सेस, आपकी लाइफ, आपके लाइफ में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है ना तभी सेंस बनता है। मैं इतनी दूर हूँ, मजबूरी है मेरी, बट एवरी डे मैं घर को तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट आई एम प्लानिंग थोड़े देर टाइम बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ पे कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ना मम्मी पापा नहीं है, फैमिली नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं है लाइफ का। और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और यहाँ पे मुझे अकेले रहना पड़ता है। लाइक मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो शाम को भी वो आते तो वो थके रहते हैं, उनका भी अपना उसके बाद कुछ क्लासेस या फिर ऑनलाइन कोर्स वगैरह वो करते रहते हैं, तो वो रहता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ना बीच में डिस्टर्ब करूँ। तो फिर बट घर में रहता है ना तो सब जन रहते तो कितना अच्छा लगता है। एनीवे मैं बातें बहुत करती हूँ, फटाफट से कॉफ़ी फिनिश कर। हो चुका है, काम करते करते टाइम ही नहीं पता चला। अभी हम लोग राइस बना लेंगे कि आज सुबह को भी रोटी खाई थी ना, तो अभी राइस खाने का मन होगा। और 1.5 कप राइस बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि राइस ये सब में फ्रेश ही खाने की चीज़ होती है। अदरक, हल्दी, हरी मिर्ची, 3 टमाटर और एक बड़े साइज का अनियन।
when I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my चिकन में ना ऐसे करके हम स्लिट्स बना लेंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए. हल्दी और अदरक वाला मसाला डाल. इसके बाद हम फ्राई हो जाएगा ना मसाला, तब हम इसमें अपने टमेटोज डाल देंगे. इसलिए मैं इसको अलग से इसमें निकाल रही हूँ, ऐसे आसानी होती है डालने में. अभी डाल देंगे अपना टमेटोज. क्यूमिन गया, गया अपना कोरिएंडर, आखिरी में जाएगा अपना चिकन मसाला. मसाले को अच्छे से मिक्स करके फ्राई होने देना है. गरम पानी स्टोव पे अपना पानी गरम कर. हमारा चिकन हो रहा है धीरे धीरे फ्राई. तो अच्छे से फ्राई करते रहेंगे काफ़ी देर तक. फिर हम उसमें थोड़ा पानी डालेंगे. ऑलमोस्ट चिकन पक गया है, अच्छा लग रहा है. लेकिन जब इसमें लेग पीसेस है, क्या कर सकते हैं, सब टूट गए पीसेस. इतना ज़्यादा मैंने पका दिया, फिर कोई नहीं. अभी इसको गैस को कर देते हैं बंद, थोड़ी देर इसको स्टफ भी रहने देंगे. फिर उसके बाद राइस के साथ खा लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है. नहीं है, नहीं है क्या? कुछ भी है ठंडा है तो चलेगा. चाहिए क्या? Starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking.